कह रहे थे बाइबल में लिखा गया है कि यीशु ने कहा सच ट्रूली सचमुच आज तो क्या होगा आज ही और टुडे। इसका मतलब है यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसको उद्धार मिलता है, अपने कर्मों से नहीं लेकिन विश्वास से। आज हम उसकी राज्य को कैसे इकरार कर सकते हैं? बाइबल में लिखा गया है यीशु ने अपने मन से नहीं कह दिया, ये व्यवस्था में पहले पुराने नियम में लिखा गया था यशायाह उसके 53 उसके 12 में कि वो चोरों के साथ मारा जाएगा। हमें क्या करना है? उसके राज्य को स्वीकार करना है। जैसे ये चोर ने स्वीकार किया, एक चोर ने तो धिक्कार दिया, एक चोर ने स्वीकार किया। वन डिसीव्ड इट, वन रिसीव्ड इट। उसने किस तरह इकरार किया? माना कि यही परमेश्वर है और उसने कहा आज मुझे विश्वास है तेरा जगह नरक नहीं, तेरा जगह दुनिया नहीं, तेरा आत्मा इधर उधर भटकेगा नहीं, आज तू मरेगा तो तू स्वर्ग में जाएगा। इसलिए तू जब जाएगा अपने राज्य में क्या कर? मैनु याद कर। और आज अगर आप भी इधर उधर भटके हुए हैं, हम भटकते हैं, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं आज तुझको विश्वास करता हूँ, मुझे भी याद कर। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरे परिवार को याद कर। धन हमें भटका सकता है, दौलत हमें भटका सकता है, नाम और इज्जत हमें भटका सकता है, उसके राज्य को हम स्वीकार करें। पूरा पता है उसका राज्य क्या है? उसका राज्य जहां पर यीशु है वहां पर उसका राज्य है। मतलब द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज देयर इज अ किंगडम ऑफ गॉड। हम उसके राज्य को स्वीकार करेंगे, हमारे साथ हम जहां जाएंगे धार्मिकता हमारे साथ रहेगा, हम जहां जाएंगे हमारे साथ शांति रहेगा, हम जहां जाएंगे प्रभु का आनंद हमारे साथ रहेगा। यीशु को इस दुनिया में साथ में रखना ही उसके क्रूस की गवाही देना। और इस चोर के समान हमें कहना प्रभु तेरे राज्य में तू मुझे स्मरण कर। आज हम मर जाएंगे जो इस पर विश्वास करते हैं, सीधा उसके राज्य में जाएंगे। आमीन। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा पंजाब। आमीन। हालेलुया। ये तो विश्वास है लेकिन मरने के बाद स्वर्ग में जाएगी, ये तो है लेकिन मरने से पहले तो स्वर्ग में होना है। मरने से पहले हमारे घर को स्वर्ग बनाना है, जीवित रहते हुए हमें प्रभु का प्रभु की उपस्थिति को पाना है। कैसे? धार्मिकता में चले, प्रेम में चले, शांति में चले। और जब यीशु मसीह हमारे साथ होता है कोई बात नामुमकिन नहीं है। प्रभु पौलुस इसलिए कहता है अगर प्रभु हमारे साथ, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो कोई बात नामुमकिन नहीं है। क्रूस के वजह से, क्रूस के वजह से प्रभु यीशु हमारे साथ रहता है। आमीन। हालेलुया। तीसरे वाणी की तरफ जाएंगे, योना उसके 19 कोई निकाल कर पढ़ दीजिए, 26 और 27। योना उसका 19 अध्याय उसका 26 और 27। यीशु ने अपनी माता को देखा अति जिस चेले नु बहुत प्यार करता सी वो भी ओथे ही खड़ा सी ता उसने अपनी माता को कहा हे औरत ए रिहा तेरा पुत्र। तद यीशु ने उस चेले को आख्या ये तेरी माता है। ता इस तो बाद वो चेला यीशु दी माता नु अपने घर अपने नाल ले गया। हालेलुया। कई लोग बाहर बल्ले बल्ले करते हैं और घर के अंदर बोल्ड हो जाते हैं। समाज में जो है लोग सबके सामने अच्छा दिखाई देते हैं लेकिन अपने घर में बच्चा बच्चा जानता है, बेटा जानता है, बेटी जानती है, पत्नी जानती है, पति जानता है कि आदमी कुलपीठ में तो अच्छा है लेकिन लोगों के सामने तो अच्छा है लेकिन घर में ठीक नहीं है। एक बार एक प्रचारक एक दिन चर्च में प्रचार बहुत अच्छा करता था, वो हर संडे वो अच्छा प्रचार करता था। और कुछ संडे के बाद एक संडे ऐसा आया कि उसकी बीवी ने टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, टॉवल सब कुछ लेकर चर्च में आया, तकिया गद्दी सब लेकर चर्च में आया। तो लोगों ने पूछा आप ये सब लेकर क्यों आ रहे हैं? तो उसने कहा मेरा जो पति है चर्च में बहुत साधु लगता है, चर्च में जब जाता है तो बहुत साधु लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि इधर ही रहे ताकि जिंदगी भर साधु बन के रहूं। यीशु मसीह ने जब क्रूस पे चढ़ा, जब वो क्रूस पे चढ़ा तो वो अपने परिवार के लिए भी ख्याल कर रहा था। क्या? कि जिसका पोजिशन जो है उसको मिले। यहाँ पे देखो प्रभु यीशु ने कहा है हे मेरी माँ। क्या मरियम कौन थी? यीशु की माँ थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु की माँ वो होने से पहले वो यीशु की बेटी है, क्योंकि यीशु मसीह सृष्टि करता है, वो परमेश्वर है।
वो देखिए मरकुस में भी जब मरियम आके बोलती है कि दाखरस खत्म हो गया, लोगों को अभी चाहिए, तो यीशु क्या बोल रहा है, हे नारी मेरा समय आया नहीं। देखो अपनी अपनी माँ को वो किस तरह एड्रेस करती है ताकि सबको पता चले यीशु से बढ़कर कोई नहीं है। आज लोग मरियम को पूजा करते हैं, नहीं मरियम को पूजा नहीं करना है, मरियम के बेटा जो यीशु मसीह है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया है मरियम का बेटा है, लिखा गया है ये यीशु की माँ है। यीशु मसीह क्या बोल रहा है, यीशु के सामने उसका फिजिकल रिलेशन सब कोई भी हो सब पहले इंसान है। एक दिन यीशु मसीह के पास लोग आकर बोलने लगे कि आपके माँ और आपके भाई और आपके लोग जो आपको तलाश रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। यीशु ने कहा मेरे भाई और बहनें वो है जो मेरी आवाज को सुनते हैं। और जब यीशु मसीह क्रूस उठाया, दुख सहा, उस वक्त यीशु को प्यास लग रहा होगा। यीशु के बदन में इतने सारे जख्म था, लहू बहा था। मैंने आपको बताया था एक एक चाबुक जब यीशु के ऊपर पड़ता था, एक चाबुक जब यीशु के शरीर में पड़ता था, जिस्म से तकरीबन 100 ग्राम मांस से निकल आता था और लहू बह जाता था। क्या एक माँ अपने बेटे को इस तरह देख सकता है? वो रो रही थी, वो सोच रही थी कि अब क्या होगा, अब मैं अकेली हो गई हूं। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमारे आत्मिक बातों को ही सुधी नहीं लेता है, हमारे परिवार को भी सही करता है। उसने कह दिया नारी को, हे नारी तू अपने आप को अकेला मत समझ, अकेली मत समझ। आज अगर आप यहाँ पे हैं, अपने परिवार में आपको लोग त्याग देते हैं, आप जो बीवी है बीवी का स्थान आपको नहीं मिलता है, आप पति है पति का स्थान आपको नहीं मिलता है, आप परेशान नहीं होना, यीशु आपके परिवार के लिए भी ख्याल करता है। हालेलुया। आज कई लोग जो है दूसरे का जगह लेने की कोशिश करते हैं, नहीं आपकी जगह आपको प्रभु देना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है मरियम हे नारी तू मां ही रहेगी, तुझे बेटा बनकर मजदूरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह उसका बेटा था जो कि सब कुछ काम करके अपने परिवार का देखभाल करता था। अभी बेसहारा है, यीशु कहता है तुझे मैं बेसहारा नहीं छोड़ूंगा, तेरे लिए ये बेटा है। हालेलुया। आज अगर आप कई लोग अपने बेटे को मिस करते हैं, कई लोग अपने परिवार में यूनिटी को मिस करते हैं, आज आपके लिए आशा है। उसके क्रूस के वजह से आपके परिवार के लिए आशा है कि हम एक हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बात ही नहीं करता, यीशु बात ही नहीं करता है, यीशु मुहैया करता है। यीशु ने कह दिया ये है तेरा बेटा। यीशु ने नहीं कहा कि तेरे लिए एक बेटा मैं दे दूंगा, नहीं उसने दे दिया। और यूहन्ना को भी कहता है यूहन्ना तू सिर्फ मेरा चेला ही नहीं तू मेरा भाई है। यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता है, उसने कहा था जो मेरे वचन को सुनते हैं वो मेरे भाई और बहन है। और यूहन्ना को उसने क्या कहा, अपनी जगह उसको दे दिया। हम जब गुनाह से मुड़ कर यीशु के पास आते हैं, यीशु क्या करता है, हमें अपना बनाता है। क्या आपके परिवार में कमी है? क्या आपके परिवार में डिविशन है? क्या आपके परिवार में एक दूसरे का जगह दूसरे लेने की कोशिश करते हैं? क्या आपके परिवार में जिसका जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं है? आज यीशु मसीह के क्रूस के जरिए से आपको वह अधिकार मिलेगा। आज हमें क्या करें, हम दुख सहकर भी, आप अगर मसीह है आपको दुख सहना पड़ेगा आपके परिवार के लिए, आपके परिवार को एक करने के लिए हमें हमारे परिवार के लिए यूनिटी को मांगना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये खास मुद्दा है। देखो प्रभु ने दुनिया में गांव बनाने से पहले, सरकार बनाने से पहले, राष्ट्र बनाने से पहले, बड़े अचंभा करने से पहले उसने परिवार को बनाया। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन दैट गॉड मेड इज अ फैमिली। आज लोग फैमिली को रिजेक्ट करते हैं, समाज को आप अपना बनाते हैं। परिवार के साथ समय बिताते नहीं है, बाहर के लोगों के साथ समय बिताते हैं, नहीं हमारा पहली जिम्मेवारी है परिवार। हमारे परिवार के लिए क्या हम थोड़ी देर प्रार्थना करें? क्या आप आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहोगे? आज प्रार्थना नहीं करोगे ना बाद में पछताओगे। आज प्रार्थना करें ताकि मेरा पति को मेरा पति का जगह मिले, मेरी पत्नी को मेरी पत्नी का जगह मिले, मेरे बच्चे को मेरे बच्चे वाला प्यार मिले। आप प्रार्थना करें, आप उस यूनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव इनिशिएटिव आपके जरिए से। यीशु मसीह के क्रूस के वजह से हमारे फैमिली में यूनिटी चाहिए। जिसके फैमिली में भी यूनिटी नहीं है आज वो प्रार्थना करें। यूनिटी तो बाहर से दिखाई दे रहा होगा लेकिन स्पिरिचुअल यूनिटी नहीं होगा। कोई तो प्रार्थना कर रहा होगा, कोई कर नहीं रहा होगा। अगर स्पिरिचुअल यूनिटी है तो फिनेंशियल यूनिटी नहीं होगा या इमोशनल यूनिटी नहीं होगा। आज किसी भी तरह की एकता अगर परिवार में नहीं है
हमारे घर में बरकत नहीं होगी। इसलिए प्रभु ने क्रूस के ऊपर दुख सहकर भी परिवार का यूनिट को उसने पहला दर्जा दिया। आज अपने परिवार के लिए थोड़ा रोइए। यीशु के लिए वो औरत आके रो रहे थे। यीशु ने कहा, हे नारी, हे यरूशलेम की बेटियां, मेरे लिए मत रोना, अपने परिवार के लिए रोना। आपके परिवार के लिए थोड़ा प्रार्थना करो। अगर कोई बचाए नहीं गया है तो उसके लिए प्रार्थना करो। अगर परिवार में मियां बीबी के अंदर रिश्ता सही नहीं है तो प्रार्थना करें। परिवार के अंदर बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें। परिवार के सामने परिवार आपके साथ नहीं है, प्रार्थना करें। आपके परिवार का यूनिटी क्रूस के जरिए सही। कोई इधर उधर की बात ना करे, कोई इधर उधर आना जाना ना करे, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें। हम यहाँ पे कुछ पाने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे कुछ सीरियस बिजनेस के लिए आए हैं। हम टाइम बिताकर चले जाने के लिए नहीं आए हैं। आई वॉन्ट एवरी वन टू बी सीरियस टूडे सो दैट वी वोंट मिस आउट द ब्लेसिंग्स टू द क्रॉस। आज अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। कौन चाहेगा कि वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें? कौन चाहेगा आज कि आपके परिवार में शांति हो? कौन चाहेगा कि आपके परिवार में मेल मिलाप रहे? कौन चाहेगा कि आपके परिवार में तरक्की हो? कौन चाहेगा कि आपके बच्चे दुनिया में अच्छे बने? आपके परिवार के लिए रोए आज। यीशु मसीह क्रूस उठाकर भी अपने परिवार के लिए सोचा। आज आप दुख सहकर भी अपने परिवार के लिए सोचे। सब लोग प्रार्थना करें। एवरीवन मस्ट प्रे फॉर योर फैमिली, मस्ट प्रे फॉर योर फैमिली, स्पेशली फॉर द यूनिटी इन द फैमिली, फॉर द यूनिटी इन द फैमिली। आप सताए जा रहे हैं, आज फिक्र नहीं करना, डरना नहीं। आप अकेली महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, आज क्रूस से आप प्रभु से वो बरकत पाए। आप परिवार की यूनिटी होगी, आपके घर में प्रभु जी, हम मैं मेरे प्यारे भाई और बहनों के साथ मिलकर आज प्रार्थना करता हूं कि हमारे घरों में यूनिटी होगी, हमारे घरों में शांति होगी, हमारे परिवार तरक्की करेंगे, हमारे परिवार तेरे क्रूस की बरकत पाकर दुनिया में ज्योति बनेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, दुनिया में सब में तू ही एक परमेश्वर है जो कि हमारे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, हमारे परिवार को तू ब्लेस कर रहा है। धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ हाथ उठाकर बोलिए, मेरा परिवार एक रहेगा, मेरा परिवार बरकत से भरपूर रहेगा, मेरा परिवार बिखर के नहीं रहेगा, एक रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। चौथी वाणी मरकुस उसका 15 उसका 34, कोई निकाल कर पढ़े। मार्क चैप्टर 15 वर्स 34, कोई निकाल कर पढ़े। तीजे पहर के सूची बाजना बोलिया, एलियो एलियो लमा सबक्तनी, जेदा अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुसी मैनु